कोटा में जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं उनको स्ट्रेस कम करने के लिए हम रोज एक गेम खेलेंगे। तो आज का गेम ये है कि एक स्टोरी बनानी है, यानी एक बच्चा एक लाइन बोलेगा, फिर नेक्स्ट बच्चा उस स्टोरी को कंटिन्यू करेगा। इस तरीके से एक नई इमेजिनरी कहानी बन जाएगी। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट बच्चे से। तुम्हारे पास माइक है, तुम एक एक लाइन एक सबको बोलनी है और स्टोरी बनानी है। समझ गए सब लोग? ठीक है, ओके स्टार्ट। एक दिन मैं रास्ते से जा रही थी, बीच में कुत्ता आ गया। कुत्ता ने मुझे बहुत डराया, मैं भागने की कोशिश ही कर रही थी, फिर उसने मुझे काट लिया। फिर मैं वहां पे इसकी हेल्प के लिए आ गई, मैं डर गई। मैं सोच रही थी, मैं डर से चिल्लाई। मैं इन सबको वहीं पर छोड़ के भाग गया। मैं डॉक्टर के पास गया, फिर मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गया था। मैंने गाड़ी के अंदर और कुत्ते को और बच्चों को साथ बिठा के हॉस्पिटल की तरफ स्टार्ट किया, हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। फिर कुत्ता बाहर निकला, मैं कुत्ते को दौड़ाने लगा। कुत्ता डर गया। मैंने कुत्ते को काटने के लिए उसे बिस्किट गिफ्ट करी। उस बिस्किट को मुझे खाना था, लेकिन कोई नहीं। फिर मैंने कुत्ते से बिस्किट ले ली और खुद खा ली। कुत्ता मुझे घूरते हुए मेरी तरफ भागा। फिर मैंने सोचा वो बेचारे कुत्ते के बिस्किट ने भी उसे नहीं मिला। फिर मैंने उसको मुंह से निकाल के वापस दे दिया। ग्राइन ने उसे पत्थर फेंक के मार दिया। मैंने उसे मार दिया। मैं भाग गई। वो मेरे पीछे भागा। वो मेरा ही कुत्ता था। मैं आगे और भागा। फिर मैंने एक पत्थर उठा के कुत्ते को मारा। कुत्ता एक पालतू जानवर होता है, उसके चार पांव होते हैं। फिर कुत्ता मेरे को भगाने लगा। फिर मैं हितांश के पीछे कुत्ते को फेंक दिया। फेंक दिया उठा के। सोचा मैंने कुत्ते को रोटी दी। मैंने उस रोटी में जहर मिलाया। फिर मुझे बुरा लगा तो मैंने पानी पिला दिया। कुत्ता ने रोटी नहीं खाई, लेकिन मुझे जरूर खा गया। फिर मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया। फिर लास्ट में उस कुत्ते की मौत हो गई। फिर नया कुत्ता आया। कुत्ते का मालिक बहुत रोया। कुत्ते के अंदर उसकी आत्मा आ गई। उसने बदला लिया। मैं उसे शांत कराने गया। गाइस मेरा कुत्ता मर गया। ये कुत्ते की स्टोरी मुझे आईटी एस्पिरेंट जैसी लग रही है। ये आईटी एस्पिरेंट ने बहुत मेहनत की थी। कुत्ता एक पालतू जानवर है। उसकी कुत्ते की दो आंखें होती है और उसकी पूंछ पकड़ के खींचते हैं तो वो काट लेता है। फिर तो कुत्ते की पूंछ नहीं पकड़नी है। फिर कुत्ता मेरे सपने में आगे बोले, तुम हम लोग से भी बड़े कुत्ते हो। बेचारे ने कुत्ते को सपने में भी मार दिया। फिर मैंने शांति के लिए हवन कराया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कुत्ते से पंगा मत लेना।